हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनएससी का जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी उसका पार्ट नंबर 9। और अगर आपने पिछले हमारे 8 पार्ट नहीं देखे तो उसे भी देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर कोई भी सुजेशन हो और कोई भी और आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन ड्वार्फ वीट सोइंग डेप्थ इज़ रिलेटेड टू। तो ड्वार्फ वीट की बात करें तो ड्वार्फ वीट हमारे जो है ड्वार्फिंग जीन ऐड किया गया था, तो उससे जो है ड्वार्फिंग जीन कौन सा था, दैट इज़ नॉरिन 10। और इससे जो है यील्ड काफ़ी बढ़ गई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त ये सब हुआ था। और इसमें जो सोइंग डेप्थ इज रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। ओके, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिकल फर्टिलाइजर इज। अमोनिकल फर्टिलाइजर से जब नाइट्रोजन बनता है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज़ डी नाइट्रिफिकेशन। ओके, डी नाइट्रिफिकेशन। और अगर हम मिनरलाइजेशन की बात करें तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है जो अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, अवेलेबल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए फर्टिलाइजर विच सप्लाईज 3 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज़। जो कौन सा फर्टिलाइजर है जो तीन इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, दैट इज़ SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। और ये क्या प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इज़ 16% हमारा जो है फॉस्फोरस। ओके, और 19% है हमारा कैल्शियम और 12% सल्फर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड राइस वाज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट डेवलपिंग। तो हाइब्रिड राइस जो है हमारा कमर्शियली प्रोडक्शन के लिए पहली बार किस कंट्री में प्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ हमारा जो आंसर है इसका दैट इज़ चाइना। ओके, और अगर हम बात करें फादर की, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस की, तो वो है यांगलोंग पिंग। ओके, यांगलोंग पिंग। नेक्स्ट इज ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बिटवीन टू मेन क्रॉप इज टर्म्ड एज, दैट इज़ कैच क्रॉप। ओके, जैसे हमारा दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो मेन क्रॉप्स हैं उसके बीच में जो क्रॉप लगाई जाती है तो उसे कैच क्रॉप कहते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर किसी फार्मर का जो क्रॉप का लॉस हो जाता है, जैसे इस क्रॉप का जो लॉस हो गया, तो फार्मर क्या करेगा, एक क्रॉप लगाएगा ताकि उसका जो कंपनसेशन उसको जो मिल सके। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं उस क्रॉप को, दैट इज़ कैच क्रॉप। नेक्स्ट इज़ क्राउन रूट्स इन वीट अपीयर्स। जो क्राउन रूट्स कब कैसे कहाँ पर अपीयर होती हैं, दैट इज़ बिलो सॉयल सर्फिस बट अबव सीड। ओके, बिलो सॉयल सर्फिस बट अबव सीड। और अगर हम क्राउन रूट्स की बात करें तो इसे हम CRI स्टेज कहते हैं एक, तो दैट इज़ क्राउन रूट इनिशिएशन। और ये जो है हमारी क्रिटिकल स्टेज है। ओके, इरीगेशन के लिए, वीट में इरीगेशन के लिए क्रिटिकल स्टेज है। ओके, और ये कब आती है, दैट इज़ 21 days आफ्टर सोइंग। ओके, 21 days आफ्टर सोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बंची टॉप इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय। जो शुगर केन है उसमें बंची टॉप कौन सा पेस्ट बनाता है, दैट इज़ हमारा जो टॉप शूट बोरर है वो। और इसका जो हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो है स्कर्पोफेगा एक्सेप्टालिस। ओके, स्कर्पोफेगा एक्सेप्टालिस। नेक्स्ट इज इन मेज प्लांट्स व्हाट अपीयर्स फर्स्ट। तो जो मेज़ के जो हमारे सिल्किंग और टेसलिंग स्टेज होती है। ओके, तो सिल्क और टेसल में से कौन सा जो अपीयर फर्स्ट कौन सा अपीयर होता है, दैट इज़ टेसल। ओके, टेसल। नेक्स्ट इज फ्लिंट कॉर्न इज नोन एज। जो हमारे फ्लिंट कॉर्न है उसे क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, दैट इज़ जियामेज इंदुरता। ओके, इंदुरता। और अगर हम इंडेंटाटा की बात करें तो वो है हमारी डेंट कॉर्न। ओके, डेंट कॉर्न। और अगर हम स्वीट कॉर्न की बात करें तो वो है जी एम ए सैक्राटा। ओके, सैक्राटा। नेक्स्ट रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट इज। जूट में एक प्रोसेस होता है दैट इज़ रेटिंग, और उसके लिए जो टेम्परेचर पूछा गया है दैट इज़ 34 degrees Celsius। और रेटिंग में क्या करते हैं, जो जूट के प्लांट्स होते हैं तो उसका स्टेम है उसे वाटर में रखते हैं, तो जिसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो उससे क्या होता है जो फाइबर्स है वो निकाल में निकाले जाते हैं इससे। और
और अगर हम जूट की बात करें तो उसमें अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो किस स्टेट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है जूट में? दैट इज़ हमारा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में और कौन सी क्रॉप ज़्यादा लगती है? दैट इज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन है राइस। ओके, नेक्स्ट इज़ IIH इज़ लोकेटेड एट। IIH क्या है? दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और ये किस कंट्री में है? दैट इज़ ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगेस्ट कल्टिवेटेड फ्रूट इन द वर्ल्ड इज़। वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा कल्टिवेटेड फ्रूट कौन सा है? दैट इज़ जैक फ्रूट। और जैक फ्रूट है जो हमारा किस स्टेट का जो स्टेट फ्रूट है? दैट इज़ केरला का। ओके, केरला का ये स्टेट फ्रूट है। नेक्स्ट इज ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर ऑफ पपाया। इस पपाया का जो ड्वार्फ म्यूटेंट कल्टीवर है वो कौन सा है इनमें से? दैट इज़ पूसा नन्हा। ओके, पूसा नन्हा। और इसकी जो स्पेसिंग की बात करें तो वो है 1.25, ओके, इंटू 1.25 मीटर। ओके, 1.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज। बनाना की इन्फ्लोरेसेंस कौन सी है? तो इसका आंसर है दैट इज़ स्पैडिक्स। ओके, स्पैडिक्स। नेक्स्ट इज फ्लेवर इन कैबेज इज ड्यू टू। जो कैबेज है उसमें जो फ्लेवर कौन कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज़, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट इज वीराकोला आइसोक्रेट्स इज द बेस्ट ऑफ। वीराकोला आइसोक्रेट्स इनमें से किस क्रॉप का बेस्ट है? दैट इज़ पोमग्रेनेट। ओके, और ये क्या है? एक बटरफ्लाई है, इसे हम पोमग्रेनेट बटरफ्लाई कहते हैं, और हम अनार बटरफ्लाई भी कहते हैं इसे। ओके, अनार बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोमोन ट्रैप अट्रैक्ट्स। जो फिरोमोन ट्रैप है जो वो किसे अट्रैक्ट करता है? तो वो क्या होता है, जो फीमेल फॉर्म होता है उसका, तो वो अट्रैक्ट किसे करेगा? दैट इज़ मेल मॉथ्स को। ओके, तो इसका आंसर है मेल मॉथ्स। तो जो फिरोमोन ट्रैप जो फ्रूट फ्लाइज के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो उसकी बात करें तो उसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है तो वो होता है हमारा मिथाइल यूजिनोल। ओके, यूजिनोल, मिथाइल यूजिनोल। नेक्स्ट इज दी वर्कर हनी बी इज़। तो वो किस फॉर्म में होती है वर्कर हनी बी? तो इसका आंसर आप हमें दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टिंग इन वर्कर हनी बी इज़ ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ। जो स्टिंग किसका मॉडिफाइड पार्ट होता है? दैट इज़ ओविपोजिटर। ओके, ओविपोजिटर का, तो अगर स्टिंग की हम बात करें तो एक हमारा वर्कर का जो स्टिंग होता है, तो एक होता है हमारा क्वीन का। ओके, जो वर्कर का स्टिंग की बात करें तो उस पे होते हैं जो ऐसे बार्ब्स। ओके, बार्ब्स कहते हैं ऐसे। ओके, BARBS। ओके, बार्ब्स। और जो क्वीन है उस पे जो बार्ब्स एब्सेंट होते हैं, तो इससे क्या होता है, जब जो वर्कर है वो किसी को स्टिंग करती है तो जब वो उसे बाहर निकलने की ट्राई करती है तो उसका जो जो ओविपोजिटर है वो भी उसके साथ ही चला जाता है और जो वर्कर की है डेथ हो जाती है। ओके, और जो हमारा जो क्वीन की बात करें तो उसमें जो हमारे बाब्स जो है एबसेंट है, तो वो इजीली वो है जब किसी को स्टिंग करती है तो वो वापस जो हम अपना जो स्टिंग है वो बाहर निकाल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना एफिडिस। बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज़ पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय क्लैविबैक्टर ट्रिटिसाई इन द एसोसिएशन विद। तो क्लैविबैक्टर ट्रिटिसाई है, तो इसलिए बैक्टीरिया है। ओके, तो बैक्टीरिया की एसोसिएशन किसके साथ होती है? दैट इज़ एंग्विनिया ट्रिटिसाई। और ये क्या है? निमेटोड। ओके, तो ये किससे होता है हमारा? बैक्टीरिया और निमेटोड की एसोसिएशन से। कौन सा डिसीज? दैट इज़ टुंडू। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज़। तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है इसमें से? तो उसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज CIFWA। व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज़ उड़ीसा में। और उड़ीसा में अगर बात करें तो कहाँ पर है? दैट इज़ भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर। और ये अगर बात करें बना कब था, तो वो है 1905
1987 में, ओके 1987। नेक्स्ट इज एकोर्निया क्रेसिपस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम, तो पहले तो ये एकोर्निया क्रेसिपस है क्या, तो इसका जो कॉमन नेम है दैट इज़ वाटर हायासिंथ, ओके वाटर हायासिंथ। और ये किस कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज़ यूएसए। और इसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और इसमें से बनता है, दैट इज़ जो हमारा वाटर हायासिंथ है तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ टेरर ऑफ बंगाल, ओके टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस, वायरस होता है तो उसकी प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं हम, दैट इज़ कैप्सिड। और इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है तो ये जो इसे कवर करता है दैट इज़ प्रोटीन कोट, और इसे हम कैप्सिड कहते हैं, ओके कैप्सिड। तो ये क्या करता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वायरस का तो उसे प्रोटेक्ट करता है किससे, एंजाइम से, ओके तो एंजाइम कौन से हैं जो इसे डिग्रेड कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सॉयल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, सॉयल स्ट्रेंथ है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ओके तो इजी क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट इज पावर डिवाइड बाय वन पेयर ऑफ बलक, जो एक पेयर बलक है, एक पेयर का पेयर है, ओके पेयर को अच्छे से देखिए तो दो बलक्स होंगे, तो ये कितनी पावर डेवलप करते हैं, दैट इज़ 0.121 हॉर्स पावर, ओके 0.121 हॉर्स पावर। नेक्स्ट इज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज, जो हमारा डीजल इंजन है उसकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, दैट इज़ 32 to 38%, ओके 32 to 38%। और अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी जो डीजल इंजन से कम होती है तो वो कितनी है हमारी, 18 to 24%, ओके 18 to 24%, ये कौन सा है, पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, जो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, तो पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडिया में तो वो कहाँ पर बनी थी, दैट इज़ पंतनगर, ओके तो इसका नाम है जी बी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओके और ये बनी कब थी, दैट इज़ 1960 में, ओके 1960 में पंतनगर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैमल इज, जो कैमल इनमें से क्या है, रूमिनेट नॉन रूमिनेट स्यूडो रूमिनेट या नन ऑफ दी अबव, दैट इज स्यूडो रूमिनेट, क्योंकि इसकी जो हमारी र्यूमन होती है तो उसमें एक पार्ट जो है मिसिंग होता है, ओके तो इसे हम स्यूडो रूमिनेट कहते हैं, ओके। इसके साथ हमारा ये सेशन जो है ख़त्म होता है, तो 9th पार्ट था ये हमारा, तो सभी पार्ट्स आप अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अगला पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। और एक आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, जो ब्रेन इंजीनियर्स जो है अभी हमारा इंस्टाग्राम पर भी आया है तो वहाँ पर भी हम क्वेश्चंस शेयर करेंगे, तो उसे भी आप जो है फॉलो कीजिएगा, तो लिंक हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए, तो वहाँ पर भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ओके तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।